हेलो एवरीबॉडी, अभी काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ सब लोग इकट्ठा हो जाए तो मैं बात ही करूँ। नमस्कार आप सभी को, कैसे आप लोग? थैंक यू एवरीबॉडी। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और अभी बहुत सारे लोगों का जुड़ना बाकी है तो फटाफट सब लोग जुड़ जाएं तो फिर मैं एक सबसे बातें फिर इकट्ठे हो जाएगी। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम बाद लाइव आई हूँ। एक्चुअली अब शूटिंग की वजह से टाइम ही नहीं मिल पाता बिल्कुल, बट आज शूटिंग के बाद मैंने सोचा थोड़ा टाइम निकालना चाहिए। बहुत आप सभी लोगों के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सो थैंक यू सो मच। इतना ज़्यादा इतने ज़्यादा प्यार दुलार के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग हमेशा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे हैं। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। जो बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं सबके, मैं ट्राई कर रही हूँ किसी में पढ़ते जाऊँ मैं। थैंक यू एवरीबॉडी। अभी फिल्म की शूटिंग चल रही है ऑलरेडी, अभी रिलीज़ होगी मे भी। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कभी कब रिलीज़ होगी मूवी। अभी फिल्म की शूटिंग ऑलरेडी अभी चल रही है तो रिलीज़ होगी थोड़ा टाइम बाद, अभी नेक्स्ट मंथ में भी, एक महीने बाद, मे बी मार्च मार्च। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सॉरी, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाई। फिल्म का नाम है कलाकंद और दो फिल्मों की शूटिंग एक साथ हो रही है अभी। एक्चुअली कलाकंद मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ा सा आई थिंक मैं भी बचा होगा। उसके बाद अभी शूटिंग हो रही है नेक्स्ट मूवी कलाकंद। नहीं, सॉरी, कलाकंद की हो गई है अभी। अब आज से नई मूवी की शूटिंग स्टार्ट हुई है कटान। आप सब लोग ऐसे प्यार दुलार देते रहे हैं और जल्दी रिलीज़ होगी, सब लोग देखें। बहुत अच्छी मूवी है, स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अंकुर बोल रहे हैं कि हिंदी के अलावा भोजपुरी में भी आप सिर्फ बॉलीवुड में काम करिए। हाँ, बॉलीवुड में तो बेशक काम करना है, अभी इंडियन सिनेमा है तो जहाँ पे भी अच्छी स्टोरीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट ये कि स्टोरी कहाँ अच्छी है। स्टोरी अच्छी है तो फिर कहीं पे भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ बेकार काम भी हैं। तो जो मैं कर रही हूँ उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है उसकी, कुछ नई स्टोरी है। इस वजह से मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि करना चाहिए। इसके बाद साउथ की भी मैं फिल्म करने वाली हूँ अभी, तो सारे भाषा में भी ट्राई करते हैं वो भी, क्योंकि हम सिनेमा को फिर एक रीजनल अगर देखेंगे तो फिर वैसी चीज़ें नहीं है अभी। हिंदी, भोजपुरी, साउथ सब मिक्स हो गया है अभी। तो अच्छा स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट, स्टोरी अच्छी हो तो फिर भाषा इम्पोर्टेंट नहीं होती। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा, गोविंद पूछ रहे हैं क्या नाम है मूवी का। एक मूवी का नाम है कलाकंद और दूसरी मूवी का नाम है कटान, जो आज से स्टार्ट हुई है। अच्छा, मैं बहुत लेट लाइव आई हूँ, अभी काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, काफ़ी लोग और जुड़ रहे हैं और
काफ़ी लोग सो चुके हैं आई थिंक, क्योंकि शूट से अभी मुझे टाइम मिला। अच्छा, वोट की भी बातें हो रही हैं इसमें, किसकी सरकार बन रही है? मूवी नेम प्लीज, कलाकंद एंड कटान। मैं रहती तो मुंबई में ही हूँ, बट अभी शूटिंग यूपी में चल रही है। प्रदीप बोल रहे, आप बहुत मासूम दिखती हैं। थैंक यू। हाँ, अभी कहाँ से, अभी तो यूपी में शूट चल रहा है। थैंक यू एवरीबडी, और लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल्सो फहीम, लव यू ऑल, लव यू ऑल। साइकिल को, अच्छा कौन जीत रहा है, साइकिल कमल कौन? यूपी में, अच्छा चलिए, यूपी में बाबा आ रहे हैं या भैया? अच्छा, क्या क्या लिखते हैं लोग। हमने ठाना है सपा सरकार बनाना है। अच्छा, साइकिल महावीर कमल, अच्छा सब लोग इक्वल ही हैं। अभी शूटिंग दो जगह चल रही है, अभी शूटिंग चल रही है सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा, वाराणसी। अच्छा, अरे पॉलिटिक्स वाली बातें बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं इसमें। अच्छा, बस दस दस को क्लियर हो जाएगा ना, सभी लोग बहुत बेचैन हैं, सभी लोग बहुत परेशान हैं। अभी 10 को सब क्लियर हो जाएगा। उबेद बोल रहे, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सो मच उबेद जी, थैंक यू एंड कीप लविंग। एसपी भैया, अच्छा सिर्फ राजनीति देखो, राजनीति का ना मैं सभी एक्टिव है अभी। थक गए बीजेपी से फहीम। अच्छा, बोले सुशील बोल रहे कि दीदी आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, इसी वजह से मेरे भाई मैं लाइव आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे सबके, तो पॉसिबल नहीं था कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ ऐसे किसी का, इस वजह से मैंने सोचा कि लाइव आकर मैं सबको थैंक यू बोल दूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। क्या बोले, हंसने पे डिम्पल पड़ते हैं, आप तो बोलती हैं तो भी डिंपल पड़ते हैं, हाय। थैंक यू। अच्छा, बस वोट की बातें हो रही हैं यहाँ पे। देखो वाराणसी में कब आना है, वाराणसी में बस शूटिंग स्टार्ट हो गई है अभी। अच्छा, 10 मार्च को अखिलेश भैया आ रहे हैं। अच्छा, देखिए कौन आता है 10 मार्च को। सिंगर नीरज जी बोल रहे हैं, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। प्रमोद जी बोल रहे हैं, अच्छा वोट देने आना है ना, एक्चुअली अभी तो मेरी कोशिश होगी, अभी तो शूटिंग चल रही है मेरी, तो बाहर हूँ। अच्छा, ममता जी बोल रही, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपको कुछ
उड़ीसा से भेजना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। बट उड़ीसा तो आप तो बहुत दूर है मुझसे। कोई नहीं, फिर कभी मुलाकात होगी। पवन लिख रहा है, ढोंगी बाबा को भगाना है, यूपी को बचाना है। हाय, हमारे देश में अभी सिर्फ राजनीति की बातें कितनी ज़्यादा हो गई हैं। इससे यूथ का करियर भी खराब हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। आपके होठ बड़े बड़े प्यारे, क्या ले। थैंक यू सो मच। दीदी दिल्ली आइए कभी। हाँ दिल्ली, अब कोई शूट रहेगा तो, या फिर ऐसे। अच्छा हेलो, अच्छा फहीम बोल रहे कि मैम 5 साल हो गया, ना जॉब मिली ना शादी हुई और गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई, सो सैड। अभी क्या कहूँ, मैं स्पीचलेस हूँ। इसका रिप्लाई तो बहुत ही टफ है। और अब गर्लफ्रेंड को तो संभालना खैर आपका पर्सनल है, बाकी अगर रही जॉब की बात तो वो तो समझ सकती हूँ मैं। बहुत सारे यूथ परेशान हैं इस चीज़ से, क्योंकि बेरोजगारी जो है तो बहुत ही दुखदाई है। थैंक यू, ओह थैंक यू सो मच। बाबा आ रहे हैं, किसने लिखा है, राजन सिंह। राजन सिंह कह रहे हैं बाबा आ रहे हैं। अच्छा ताहिर बोल रहे हैं कि आप मुझे इग्नोर करती हैं। अरे नहीं, मैं इग्नोर क्यों करूँगी किसी को। आपके मैसेजेस मैंने अभी देखे हैं रचना जी। वेट, मुझे ना पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ता है वरना आप लोग नाराज़ हो जाते हैं। अच्छा बोल रहे हैं अमरोहा बहुत अच्छी जगह शूटिंग के लिए। अच्छा वो तो डिसाइड होता है ना पहले से। अच्छा थैंक यू। सभी लोग वैसे अपने करियर पे भी ध्यान दें, क्योंकि वो यूथ होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो खैर किसकी बनेगी वो तो 10 को क्लियर होगा, लेकिन उसके अलावा डिपेंडेंट होने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग अपने हिसाब से मेहनत करें और हमेशा अच्छे ऑप्शंस रखें। क्योंकि अभी हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा हावी हो गई है कि बहुत सारे यूथ जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके पॉलिटिकल चीज़ों में लग जा रहे हैं जिनसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अरे नहीं, राहुल यदुवंशी बोल रहे हैं कि मैम आप मुझसे गुस्सा हैं क्या। अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों के ही मैसेजेस पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा आप लोग कॉल करने लगते हैं, वो मत किया करिए। क्योंकि फिर अगर बिजी रहो तो उस टाइम पे फोन बजता रहता है तो डिस्टरबेंस होता है। क्वालिटी
कोई बोल रहा है कि आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, इतने गौर से मत देखिए मुझे। ठीक है, मैं इधर हो जाती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे विवाह पे ज्यादा ध्यान है। नहीं, विवाह पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने काम पे पहले ध्यान दीजिए। जब अच्छा आप काम करेंगे तो विवाह तो सबका हो ही जाता है एक दिन। भारतवंशी रजनीश यादव, बहुत सही कह रही हैं दीदी आप। थैंक यू मेरे भाई। ताहिर क्या बोल रहे हैं, मैम प्लीज़ क्या पूछा आपने, मैं कंफ्यूजन में हूँ। थैंक यू पवन, थैंक यू सो मच पवन जी। मैडम आप दूध से नहाते हो या पानी से? पानी से नहाती हूँ भाई, दूध इतना महंगा हो गया है आज के डेट में। वो राजा रानी वाला टाइम नहीं है कि आदमी दूध दही में नहाएगा। अच्छा, चंदन बोल रहे हैं कि मेरा BSNL टावर के पास घर है। चंदन कंफ्यूजन में हूँ थोड़ा। प्रफुल्ल बोल रहे हैं कि मैम आप मेरा मैसेज नहीं देखते हैं। इतना लोग मुझसे गुस्सा रहते हैं कि मैं मैसेज नहीं देखती हूँ, और मैं आंखें गड़ा करके सिर्फ आप लोगों के मैसेजेस ही देख रही हूँ। नहीं, सुशील का इतना सारा दिल दीदी के लिए। थैंक यू मेरे भाई। आपको भगवान जी बहुत फुर्सत में बनाए हैं, यही तो मैं सुनना ही चाह रही थी। नहीं, भगवान सबको फुर्सत में ही बनाते हैं, बिजी रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। हाँ अच्छा, आप मेरा मैसेज पढ़ लीजिए ना। क्या है आपका मैसेज, करिए मैम आप। अच्छा, प्रताप बोल रहे हैं कि आप सबके मैसेजेस पढ़ने में उसी में भूल जाती हैं हम मेरे मैसेजेस। अच्छा चला गया। ताहिर पाकिस्तान से, थैंक यू। मैम आप कहाँ से हैं? मैं तो बस यहीं से हूँ। मिथिलेश जी बोल रहे हैं भगवान ने आपको संडे को बनाया है। नहीं, भगवान ने मुझे फ्राइडे को बनाया है। मैं अकेले अगर जिंदगी में कभी भी रहूँ, फिर मैं लाइव आने के बाद ना, मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं होती हूँ। आप लोग, इतनी मज़ेदार बातें होती हैं, मैं पढ़ पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। अभी बहुत सारे लोग, तो आई थिंक जो लोग मेरे लाइव का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, और मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हूँ इस वजह से बहुत सारे लोग सो चुके हैं शायद। नमस्ते प्रदीप विधायक, नमस्कार। मोहम्मद खालिक बोल रहे हैं आप कभी फुल्ली गांव आई हैं? हाँ आई हूँ, जब छोटी थी तो बुखार आता था तो इंजेक्शन लगवाने। सबसे ज़्यादा इंजेक्शन वहीं लगे हैं मुझे। प्रताप बोल रहे मैडम आप एक बार अपनी जुबान से मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। ओके प्रदीप, हेलो। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताएं। प्रदीप काशी खान मायो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं मस्त हूँ, आप लोग बताएं। अच्छा, मैं ये लाइव ना मैं 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, इतनी मज़ेदार बातें हैं यहाँ पे। एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या लिखा है इन्होंने? राजेश बोले बताती क्यों नहीं आप गाजीपुर से हैं।
अच्छा, मैं गाजीपुर, तो गाजीपुर, तो गाजीपुर से बहुत लोग जुड़ते हैं, बट अभी पता नहीं शायद है कि नहीं है। कुछ लोगों ने पंजाब से मैसेज किया। अच्छा दीदी, आप मेरे मैसेज नहीं पढ़ती हो? नहीं मेरे भाई, मैं आपका ही मैसेज पढ़ रही हूँ। मेरा भी मैसेज पढ़ लो आप। आर राजकुमार, राज, हेलो राज मैडम, आपको खुदा ने फुर्सत में बनाया है, माशाल्लाह। क्या बोलते हैं उसके बदले? थैंक यू। फ्राइडे ईद का दिन है, ईद हमेशा स्पेशल होता है, जैसे कि आप हैं। मैं आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के मैं 10 दिन हंस सकती हूँ। अब सबको नींद आ रही है, अब मैं लाइव खत्म करूंगी। और मैं थैंक यू बोलने आई थी आप लोगों को इतने सारे प्यार के लिए। हमेशा आप लोग ऐसे मुझे सपोर्ट करें और हमेशा मुझसे ऐसे जुड़े रहे हैं, हमेशा इतना प्यार बनाए रखें। प्रकृति की सारी खूबसूरती आपके अंदर ही बनाई है भगवान ने। एडवोकेट रविंद्र यदुवंशी जी, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी तो प्रकृति अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है। कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोग। मिथिलेश बोल रहे हैं, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आज तो मैं सिर्फ तारीफ सुन सुन करके मैं अगले 2-4 दिनों तक थैंक यू। बाय द वे, ये आप लोगों का बड़कपन है और ये आप लोगों की खूबसूरती है और ये आप लोगों की नज़रों की खूबसूरती है कि आप लोगों को, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं। कीप लविंग मी ऑलवेज। ओके देन, बाय बाय। अब लाइव कंप्लीट करूंगा। थैंक यू बेहतर है, थैंक यू सो मच। नौशाद अली यार कितनी औसम है। हाँ ये डायलॉग मुझे याद है। ये किसने बोला था? जाकिर है ना। फहीम बोले, आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। जौनपुर कब आगमन हुई आपके? प्रदीप पूछ रहे हैं। अबे हमार आगमन जौनपुर ना हुई, काहे कि अबे हमार शूटिंग होत बा तो इस वजह से। ही शुभ रात्रि।
लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. ताहिर बोल रहे हैं खुदा के वास्ते बोलें मैम प्लीज़. हाँ ताहिर बताएं क्या बोलना था आपका, यही बस मैसेज मैंने पढ़ा. अच्छा क्या लिखते हैं दीदी मेरा भी रिप्लाई दीजिए. ठाकुर भाई मेरे आपको मैसेज ऊपर चला गया. आप इतनी खूबसूरत क्यों हो. ईद हमका नहीं पता है क्योंकि आप लोग बहुत सुंदर हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, इस वजह से हम आप लोगों को अच्छे लगते हैं. एंड थैंक यू सो मच, कीप लविंग मी ऑलवेज, कीप सपोर्टिंग मी, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. अब मैं फाइनली लाइव में बंद करूँगी और लोग बढ़ते जा रहे हैं लाइव में. मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं आप लोगों से थोड़ा और बातें कर लूँ या फिर मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे सोना भी है. आपका हेयर कलर बहुत अच्छा है, हाँ मुझे भी बहुत पसंद है ये मेरे सुनहरे बाल. पवन बोल रहे हैं आपकी हेयर स्टाइल सबसे शानदार है, एक नंबर. थैंक यू सो मच, थैंक यू. बनारस कब आएंगी, बनारस में शूटिंग चलेगी. ज्ञानेंद्र पूछे इलाहाबाद कब आगमन होगा. इलाहाबाद में अभी कोई शूटिंग नहीं है तो नो आइडिया. कुलदीप बोल रहे हैं आप बहुत भाग्यशाली हो जो इतने लोग आपको चाहते हैं, सादर प्रणाम. आपको भी प्रणाम जी, ये आप लोगों का प्यार है, बाकी ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा बना रहे. फहीम बोले कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन आप दिल की बहुत अच्छी हैं. थैंक यू. आज तो बस मेरी तारीफें ही चल रही हैं, और भी कुछ बातें कर लीजिए आप लोग. बाय द वे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का. ऐसे कौन बोलता है भाई. आपकी आंखों में पानी है, हैं ऐसा क्यों. ओके देन बाय बाय, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी. कौन बोल रहे कि मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक
ऑक्टा 8x7-digit VIP नंबर गिफ्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ रिवॉर्ड मैम। आर यू सीरियस? ओके पता अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट मैसेजेस हो तो आप लोग रचना सिंह आईडी पे या मैसेंजर में मुझे मैसेज करें, या रचना सिंह मैसेंजर इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे देख लूँगी। अगर आप बहुत फेमस हो चुकी हैं, सब मिलकर अपने देश की बहन बेटियों के लिए कुछ बेहतर करते हैं, आप भी साथ दीजिए मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा नाम ले लीजिए। रो कौन रहा है? श्याम यादव जी। अरे डम गुरु बोल रहे हैं कि आप मेरा नहीं मैसेज देख रही हैं, जो प्रशंसा कर रहे हैं बस उनका ही। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, सभी प्रशंसा कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चैट चैट करके मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ, जिसके मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं मैं पढ़ रही हूँ, ऐसी बात है। ओके फिर नेक्स्ट लाइव में, जब मैं नेक्स्ट टाइम जब लाइव आऊँगी तो फिर आप लोगों से बातें होंगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। क्योंकि अब ओके बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।